भोपाल में रंग निर्देशक स्वर्गीय हबीब तनवीर निर्देशित नाटक जिन लाहौर नहीं वेख्या उ जमियई नहीं का मंचन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद के विस्थापितों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा उसकी एक मार्मिक झलक दिखाई गई। इस दौरान प्रसिद्ध रंगकर्मी बालेंद्र सिंह बालू बहुत भावुक नजर आए, वहीं इस नाटक में उनकी अदाकारी की भी जमकर तारीफ की गई। भोपाल के शहीद भवन सभागार में 18वां राष्ट्रीय रंग आलाप नाट्य महोत्सव शुरू किया गया। यह नाट्य महोत्सव 1 से 5 सितंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय रंग आलाप नाट्य महोत्सव के पहले दिन जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जामियई नहीं का मंचन हुआ। नाटक के लेखक असगर वजाहत, निर्देशक हबीब तनवीर थे, जिसकी प्रस्तुति नया थिएटर ने दी। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि के तौर पर रोजगार निर्माण के संपादक पुष्पेन्द्र पाल और वरिष्ठ अभिनेता उदय चंद्रा थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद के विस्थापितों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा उसकी एक मार्मिक झलक को इस नाटक में बाखूबी दिखाया गया। नाटक में रतन जौहरी की अम्मा का किरदार प्रसिद्ध रंगकर्मी बालेंद्र सिंह बालू ने किया। इस नाटक में सभी पुराने कलाकारों ने बंटवारे के माहौल को सजीव कर दिया। नाटक देखने बड़ी संख्या में नाट्य प्रेमी मौजूद रहे। पूरा सभागार दर्शकों से खचाखच भरा रहा। जगह न मिलने पर लोगों ने खड़े होकर नाटक को करीब 2 घंटे तक देखा और नाटक की समाप्ति पर जमकर तालियां बजाई और नाटक की सराहना की। लोगों के प्यार पर बालेंद्र सिंह बालू काफी भावुक नजर आए। नाटक में बूढ़ी दादी के लाहौर छोड़ने के किस्से पर पूरा सभागार इमोशनल हो गया। नाटक में अहम किरदार निभाने वाले और नया थिएटर के डायरेक्टर रामचंद सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी दी और हबीब तनवीर को याद किया। yes, ये हम थिएटर फेस्टिवल करता है। हबीब तनवीर साहब को तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के रंग निर्देशकों में अहम स्थान रखते थे, तो उन्हीं की याद में करते हैं फेस्टिवल बालेंद्र हम थिएटर नाम से। तो ये लगभग हबीब तनवीर साहब के नाटकों का चाहते हैं कि वो जो नाटक डायरेक्ट किए थे उस उनके शो से इस फेस्टिवल का आगाज़ हो। तो 5 दिन का फेस्टिवल है। उनके द्वारा निर्देश, हबीब तनवीर साहब के निर्देशित नाटक जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्म आई नहीं, ये लगभग नया थिएटर में 97 से चल रहा है। हबीब साहब ने डायरेक्ट किया था, पहला शो भारत भवन में हुआ था, तो उसी की प्रस्तुति है। और हबीब साहब के जाने के बाद भी ये शो अभी चल रहे हैं। अभी लगभग हर साल कुछ ना कुछ 5-10 शो इसके हो ही जाते हैं। असगर वजाहत साहब का लिखा नाटक है। वही समारोह के मुख्य अतिथि दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय ने कहा कि हबीब तनवीर साहब को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके निर्देशित नाटक आज भी उनके हमारे साथ होने का एहसास करवाते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध रंगकर्मी बालेंद्र सिंह बालू की जमकर तारीफ की और कहा, बालेंद्र ने भोपाल में सब कुछ सीखा, ये उनकी कर्म भूमि रही है। रोजगार निर्माण के मुख्य संपादक पुष्पेंद्र पाल सिंह ने रंगकर्मी स्वर्गीय हबीब तनवीर को याद किया और कलाकारों को नाटक के लिए बधाई दी। दूसरा, आप सारे लोग नाटक देखने आए हैं और नाटक आपके हमारे जीवन से ही पैदा होता है और जिस कथा को हम आज देखने वाले हैं ये हमको बहुत पहले बंटवारे के दौर में ले जाएगी और इस नाटक को जब जब देखता हूँ तब तक इसमें एक नयापन देखने को मिलता है। हबीब साहब के निर्देशन का जो जादू है या असगर वजाहत जी ने जब लिखा होगा, जो उनके दिमाग में चला होगा, तो एक छोटी सी घटना को मानवीय संवेदनाओं से जोड़ के इतने अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है कि अकल्पनीय लगता है कई बार। बालेंद्र के बारे में तो यही कहूँगा कि जब उन्होंने अपनी रंग यात्रा शुरू की थी तो हम छोटे थे, उनका पूरी ट्रेनिंग इसी भोपाल में हुई। मुझे 2 पंक्तियाँ याद आती हैं क्योंकि आप भी नाटक देखने आए हैं कि आदमी जब ठान लेता है मन में उंगलियों से छेद कर देता है गगन में, तो बालेंद्र जो है ऐसे ही व्यक्ति हैं और बालेंद्र उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। आज हबीब साहब हमारे बीच में नहीं है, हम जो भी ड्रामे को संगीत को हम पसंद करते हैं हबीब साहब को कभी नहीं भूल सकते, उनका सिगार कभी नहीं भूल सकते, उनका स्टाइल जो था और खास करके जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है उनकी डांट ने कई ऐरे गेरों को बड़ा बड़ा एक्टर बना दिया।
अद्भुत और विलक्षण किस्म के व्यक्ति थे। अगर वो नजर पड़ जाए तो पत्थर को हीरा बनाना उनको आता था। ऐसे हबीब साहब को नमन। और उसके सभी साथी बालू भाई और आप सभी, सबसे पहले तो मैं हबीब तनवीर साहब को नमन करता हूँ, कैसे करता हूँ कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि उनकी जन्मदिन के अवसर पर उनकी स्मृति में एक जो पूरा समारोह है उसका आरम्भ हो रहा है। और निश्चित रूप से हबीब तनवीर साहब का जो बहुत योगदान है, खासतौर से सामाजिक बदलाव में उन्होंने जितने अलग अलग विषयों पर नाटक किए, जितने अलग अलग विषयों को छुआ उन्होंने, वो बहुत गहराई के साथ शिद्दत के साथ उन्होंने सामाजिक जो मित्रताएँ हैं, जो संगतियाँ हैं, उन पर उन्होंने नाटक किया और बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने सामाजिक बदलाव में अपने दौर में निभाई। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनसे कई बार हमको बातचीत करने का, मिलने का उनसे अवसर मिला, उनके नाटकों को देखने का अवसर मिला। मैं उनको नमन करता हूँ और निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा से बालू भाई और सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो भी उनकी परंपरा को और उनकी जो उद्देश्य है सामाजिक बदलाव के, सकारात्मक बदलाव लाना समाज में, सकारात्मक सोच का निर्माण करना और एक जो नवनिर्माण की जो दिशा है उसमें लगातार पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। मैं हम थिएटर ग्रुप को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जिस नाटक हम लोग देखने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा भावनात्मक रूप से उस नाटक से जुड़ा हुआ हूँ। आज से 25 वर्ष पहले 1997 में मैंने दिल्ली में NSD के रेपर्टरी में इस नाटक को देखा था। उसके बाद और भी कई बार इस नाटक को अलग अलग मंचों पर देखने का मौका मिला और हर बार ये दिल को छूता है। और हमारे जो देश की जो बहुत बड़ी समस्या है, जो एक एकता की जो हम बात करते हैं और जो एक तरह से जो हम मानवता की बात करते हैं और समाज को नज़दीक लाने की जो बात करते हैं, उसको बहुत शिद्दत के साथ ये नाटक उस संदेश को लोगों तक। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।